तो गाइज़ हमारा ये काम हो चुका है यहाँ पर, और मैंने जितना कैबिनेट को मैंने मॉडिफाई करना था वो मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैंने कैबिनेट को वाइट कलर किया है पूरी तरह से, जो कि अप एंड डाउन चारों तरफ से, अंदर और बाहर दोनों तरफ से पूरी तरह वाइट है ये। और यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए, जैसे ये मेटल का टुकड़ा ये काट के यहाँ पर लगाया है। माफ़ करना है, हाथ में पेंट लगा हुआ दिख जाएगा आपको, क्योंकि पेंटिंग की है मैंने। और ये पेंट तो खैर सूख चुका है, स्प्रे पेंट किया है मैंने। और ये कैबिनेट पे ये हिस्सा मैंने लगाया है, ये एक्स्ट्रा अगर मुझे हार्ड ड्राइव यूज़ करनी पड़े तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। बाकी ये हिस्सा पूरा इस पैनल से कवर रहेगा। और ये आप देख सकते हो ये पूरा कैबिनेट है वाइट कलर में, और पीछे भी दिखा देता हूँ, ये पूरा अप एंड डाउन पूरा वाइट है ये। ये देखो पीछे मैंने लोगों पर ये सिल्वर लीफ की है, ये सिल्वर पेंट कर दिया है जो कि इनग्रेविंग हो रखी है इस पर, तो ये भी काफ़ी अच्छे से दिख रहा है ये। और ये कैबिनेट होने के बाद मैंने इसका जो फ्रंट फेस है, ये जो हमारा थिंक सेंटर है, ये लेनोवो का थिंक सेंटर, इसे मैंने पूरी तरह पेंट कर दिया है ये वाइट कलर में फेस भी इसका। और इसके जो ग्रिल है इसे मैंने ऑरेंज कर दिए हैं, ताकि जो कंट्रास्ट है यहाँ पर अच्छे से दिख सके कलर का। और यहाँ आप देखोगे ये दो एक्स्ट्रा मैंने स्लॉट काटे हैं, ताकि मैं यहाँ पर USB 3.0 का कनेक्टर इसमें लगा सकूँ। और बात करें जो मैंने पैनल बनाया है कस्टम मेड, वो ये है, आप देख सकते हो ये पीछे से MDF है, असल में MDF है। और यहाँ पर मैंने कुछ ये स्टड वगैरह लगाए हुए हैं सपोर्ट के लिए, ताकि स्क्रू कस सकें। और ये ऊपर में मैंने गोल्डन लीफ वाली लेमिनेशन की है, और ये मैंने यहाँ पे कस्टम डिज़ाइन बनाया है कटिंग करके। और सेम ऐसे ही ये है ग्राफिक कार्ड की बैक प्लेट, और इसे भी मैंने तैयार कर दिया है कटिंग करके। और ये इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर का माइका है, जो कि कटिंग कर लेमिनेशन काटने के बाद ये दिखती है। और मैंने यहाँ पर ये स्प्रे पेंट किया है, मुझे यहाँ पर कुछ अलग आइडिया दिखाना था तो मैंने यहाँ पे स्प्रे पेंट किया है, और ये बैकग्राउंड में येलो है, और यहाँ पर टेपिंग करने के बाद ये ऐसा पैटर्न दिखा। और मैंने ये एक बे बनाया है यहाँ पर, यहाँ पर मुझे एक SSD की जगह मिल जाती है, और यहाँ पर एक बड़ी वाली 3.5 इंचज़ की हार्ड डिस्क की जगह मिल जाती है यहाँ पर दो। ये इसके पीछे वायर छुपे रहेंगे, जो कि हमारे PC के पीछे जितने भी वायर आएंगे वो यहाँ से निकलेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर ये एक्रिलिक का पैनल भी साइड से पेंट करके रख दिया है, ये भी इसके ऊपर लेमिनेशन चढ़ा हुआ है। और देख सकते हो इस तरफ से मैंने यहाँ पर एज पे इसे राउंड कर दिया है, ताकि ये स्मूथ दिखे। मैंने चारों तरफ इसके एज को स्मूथ कर दिया है राउंड करके। और इधर हम दिखाते हैं भाई, लाइटनिंग के लिए भाई RGB वगैरह भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम इतना शोकेस कर रहे हैं। तो ये तो एक फ़ैन है जो कि ये लिनोवो वाले केस के साथ ही मिला था, तो ये काफ़ी सिंपल सा फ़ैन है, मैंने इसे बस वाइट कर दिया है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होने वाला है ये बस, तो इसमें मैंने लाइट वगैरह नहीं लगाया। लेकिन यहाँ पे मेरे पे ये 80 mm यानी 8 cm का ये फ़ैन था मेरे पे, ये शायद 8 है या 4 पता नहीं मेरे को, 80 mm वाला फ़ैन कहते हैं इसे। तो इस फ़ैन पर मैंने, आप देखेंगे साइड में, मैंने ये खुद से LED लगाई है, यहाँ पर LED स्ट्रिप लगाई है, ये देख सकते हो। और मैंने इसे फ़ैन से ही कनेक्ट कर दिया, ये अंदर में LED स्ट्रिप भी लगी हुई है, तो ये डायरेक्ट मैं मोलेक्स कनेक्ट करूँगा पावर सप्लाई से, तो LED भी जलेगी और फ़ैन भी चलेगा साथ में। और साथ में यहाँ पर मैंने LED स्ट्रिप का भी इंतज़ाम कर लिया है, और ये उसका कंट्रोलर है, और ये मोलेक्स से कनेक्ट होगा, और इधर LED कनेक्ट होगा यहाँ से, और ये है हमारा रिमोट कंट्रोल, जिसे हम इसे रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ पावर सप्लाई, वो है सर्कल का 400 वॉट, इसकी मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी। तो हम यह 400 वाट की पावर सप्लाई यूज़ करने वाले हैं। और हालांकि मैंने अपना पहले एक PC बिल्ड कर रखा है पहले ही,
तो लेकिन मैं कंपोनेंट वही पुराने यूज़ करूँगा, तो मैं दिखा देता हूँ। इसलिए मैंने दिखाने के लिए यहाँ पर ये सभी कंपोनेंट के बॉक्सेस यहाँ पर सजा करके रख दिए हैं ताकि आपको समझ आ सके मैंने यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया है। मैंने प्रोसेसर में यूज़ किया हुआ है, यह है राइजन 3 2200G वेगा ग्राफिक्स वाला, ये देख सकते हो आप। इसकी डिटेल्ड वीडियो कभी अगर मौका मिला तो मैं बनाऊंगा। हालांकि ये अब ये सेकंड जनरेशन का है, अब तो थर्ड जनरेशन आ गए हैं तो ज़्यादा इसकी बात वैसे नहीं करेंगे, पर प्रोसेसर काफ़ी ठीक ठाक है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये मदरबोर्ड, यह है MSI का A320M Pro VDS V2, काफ़ी बजट लेवल है मदरबोर्ड, लेकिन काफ़ी बढ़िया है। इसमें डुअल चैनल सपोर्ट मिल जाता है और भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर है इसमें। मदरबोर्ड काफ़ी बजट लेवल का है और काफ़ी बढ़िया है। साथ ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ गीगाबाइट का 1050 Ti 4GB वेरिएंट DDR5, और ये सिंगल फैन एडिशन है गीगाबाइट का, तो ये ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी बढ़िया है, बजट लेवल गेमर्स के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। साथ ही यहाँ पर भाई अपना जो कि होता है भाई फ्रेंडली नेबरहुड, जो कि सब बंदे यूज़ करते हैं, वो है WD का 1TB ब्लू। और यहाँ पर मैं एक ये वाईफाई कार्ड यूज़ कर रहा हूँ TP-Link का, और यहाँ पर मैं ये 120GB का किंगस्टन सॉलिड स्टेट SSD यूज़ कर रहा हूँ। ये फटा हुआ है क्योंकि मैंने भाई पहले, जैसे कि आपने देखा होगा मेरा पुराना कैबिनेट किसी वीडियो में, मैंने उसमें ये सारे कंपोनेंट यूज़ कर रखे हैं। बस मैं आपको दिखाने के लिए, एक रेफरेंस के लिए मैंने सारे जो बॉक्स वगैरह वो यहाँ पर रख दिए ताकि आपको समझ आ सके कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ इस बिल्ट में। तो गाइज़ ये है मेरा पूरा बिल्ट जो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। टोटल आप देख सकते हो सारा सामान, कैबिनेट भी देख लो आप। मैंने यहाँ पर कुछ जुगाड़ वगैरह भी किए हैं ताकि यहाँ पे जो ग्लास पैनल है वो अच्छे से कनेक्ट हो जाए, फिट हो जाए पूरी तरह। तो कैबिनेट भी तैयार है और ये पैनल्स वगैरह भी भाई कूल लग रहे हैं। कमेंट में बताओ भाई कैसे लग रहे हैं, और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने कैसे बनाया तो आप कमेंट करके बताओ। मैं इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो आपको बताऊँगा कि कैसे इसे बनाया जा सकता है। ये डिकेल वगैरह हो गए, लोगो हो गए, आप देख सकते हो भाई मैंने ये गोल्डन लेमिनेशन पर बनाया इन सबको, और ये सब कुछ हाथ से मैंने बनाया है। कोई मशीन, कोई प्रिंटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया मैंने। तो यहाँ पर ये पैनल वगैरह लगने वाले हैं मेरा। तो जो मेरे PC का थीम होने वाला है वो है वाइट, गोल्डन और ऑरेंज, ये तीन कलर का थीम बनने वाला है मेरा। तो ये प्रोसेस तो खैर काफ़ी थोड़ा लंबा होगा जब मैं इन सभी पार्ट्स को, जो आप देख रहे हो मेरे बेड पर रखे हुए सारे जो पार्ट हैं, उन्हें इस कैबिनेट के अंदर फिट करना काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है। तो हो सकता है कि मैं आपको दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, लेकिन आप तैयार हो जाओ गाइस ये देखने के लिए कि कितना कूल होने वाला है हमारा सेटअप। उद्घाटन करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, मैं हटाने वाला हूँ इसके ऊपर का लेमिनेशन। और दोस्तों कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है आप सभी को। तो देख लो भाई मैंने पूरी तरह LED लगाई है, जितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, कोई ज़्यादा हाईफाई कंपोनेंट यूज़ नहीं किया है मैंने इसमें। सिंपल कंपोनेंट है बजट लेवल का, वो मैंने यूज़ किया है, बट जितने भी कंपोनेंट हैं मैंने सबको शो यहाँ पर किया है। आप देख सकते हो एक्रेलिक ग्लास में कैसा दिख रहा है ये, बढ़िया। और भाई वो देखो वहाँ पर मैंने अपने ग्राफिक कार्ड, जो कि मेरा NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, उसके ऊपर बैक प्लेट भी मैंने लगा रखी है। तो ये लो भाई पूरा हट गया यहाँ से लेमिनेशन, आप देख सकते हो। साइड में जो एज है यहाँ पर, ये मैंने वो ऑरेंज कलर का किया हुआ है। अंदर आप देखोगे यहाँ पर LED स्ट्रिप लगी हुई है, और ये ट्राई कलर LED स्ट्रिप है, और इसका रिमूव किया आप सभी को। यहाँ पर मैंने लेमिनेशन जो गोल्डन कलर का किया हुआ था वो लेमिनेशन है, और यहाँ पर मैंने कटिंग लगाई है, कटिंग करके लेमिनेशन में। और ये सिर्फ सामने से ही कवर नहीं है, नीचे से भी कवर है, आप देख सकते हो। ऊपर मेरा SMPS है, और ये सामने तो ये मैंने जो शील्ड कहते हैं, एक पावर सप्लाई की जो शील्ड कहते हैं उसे, वो लगा रखी है ऊपर में, जो आजकल के एक्सपेंसिव कैबिनेट में आता है नीचे की, और मैंने ऊपर की ओर कर रखा है क्योंकि इसमें ऊपर ही पावर सप्लाई लगती है, तो ऊपर ही मैंने कवर कर रखा है इसे। और ये पूरी तरह से कवर है, नीचे से भी कवर हो रखा है। उधर तो आपको SMPS दिख जाएगा, नीचे मैंने यहाँ पे हैंड पेंटेड किया हुआ है ये पैटर्न ऑरेंज और येल्लो में, वो पैनल एक लगा हुआ है, और ऊपर में एक गोल्डन लीफ वाला लगा हुआ है पैनल, और एक नीचे पैनल लगा हुआ है। इधर आपको दिख जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में पावर सप्लाई, और ये है अपना स्टॉक फैन, और ये है अपना सर्कल का 400 वॉट पावर सप्लाई, और ये ऊपर में माइका का लगा हुआ है ये।
बोर्ड जिस पर मैंने ये MDF और माइका का बोर्ड है उसी के ऊपर मैंने लेमिनेशन चिपका करके ये कटिंग की है ये लोगो, और मैंने ज़्यादा इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, एकदम नॉर्मल है गोल्डन कलर में। और इधर आप देखोगे मेरा 120 GB का किंगस्टन SSD और यहाँ पे मेरा 1 TB का WD हार्ड ड्राइव है, और मदरबोर्ड है मेरा A320M Pro VDS V2 और प्रोसेसर है Ryzen 3 2200G और दो रैम लगे हुए हैं यहाँ पे डुअल चैनल में 8 GB के 2400 MHz पे क्रूजियल के बेसिक्स हैं, और वहाँ पर मेरा वाईफाई कार्ड आपको दिख जाएगा। और ये है मेरा NVIDIA का GeForce GTX 1050 Ti सिंगल फैन एडिशन, देख सकते हो GB का है ये, और नॉन RGB है ये ग्राफिक कार्ड, बट मैंने इसमें RGB देने की पूरी कोशिश की है। और मैंने ये बैक प्लेट मैंने ये माइका और MDF से ही बनाया बैक प्लेट, और इसके ऊपर भी मैंने गोल्डन लेमिनेशन करके इसके ऊपर कटिंग की है NVIDIA का लोगो। और इधर भी एक बैक प्लेट आपको दिख जाएगा, ये जो पीछे जिस पे ये ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं उसके पीछे मेरे मदरबोर्ड के जो सारे जो मेन तार हैं वो उसी के पीछे से गए हुए हैं, आप देख सकते हो। ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ एक बार, हाँ तो पीछे आपको ये दिख जाएगा, इस बैक प्लेट के पीछे ही सारे तार लगे हुए हैं और इस बैक प्लेट के ऊपर ये हार्ड ड्राइव दोनों लगी हुई है। और इधर आप देखोगे एक नीचे कंट्रोलर है, यहाँ पर दिख जाएगा आपको कंट्रोलर, ये है वो कंट्रोलर जो कि RGB को कंट्रोल करता है, और इसका रिमोट मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास रिमोट है जिससे मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये है वो रिमोट, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखो मैंने ऑफ़ कर दिया, बट आपको ये फ़ैन में ब्लू कलर की LED इसलिए दिखेगी क्योंकि मैंने इस फ़ैन में ब्लू कलर की LED लगा रखी है पूरी, और दो तीन अलग कलर की LED है। और ये पूरा फ़ैन जो है ये 80mm का है ये फ़ैन, नॉर्मल फ़ैन है जिसे मैंने ये इस पर LED स्ट्रिप चिपका रखी है, DIY कर रखी है। तो कमेंट में बताना अगर आपको जानना है कि आप एक नॉर्मल CPU फ़ैन को LED में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। और अंदर का पूरा जो थीम है वो पूरा वाइट मैंने रखा हुआ है जिसके कारण सारे कलर उभर के आ रहे हैं, और मैं अभी LED ऑन करने जा रहा हूँ। तो गाइस मैंने ऑन का बटन ये दबा दिया और ये LED ऑन हो गई, और अब मैं यहाँ पर इस रिमोट में कई सारे मोड हैं, जैसे ये मोड है ये देखो, ये अलग अलग कलर दिखेंगे, कैमरे में तो उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। एक ये अलग मोड है, इसमें धीरे धीरे डीम होगी लाइट, और ये और अलग अलग कलर के हैं, मैं चाहूँ तो पर्सनलाइज कलर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया, अलग अलग कलर के हिसाब से आप लगा सकते हो, इसमें टोटल 21 कलर हैं, तो जो ज़रूरत हो। ये पर्पल हो रहा है धीरे धीरे, और ये देखो रेड लगा दिया मैंने, अब ये पूरा कैबिनेट रेड तो नहीं हो पाया लेकिन जितनी ये LED है वो इसे पूरी तरह से लाल करने में लगी हुई है, और अलग अलग कलर भी ग्रीन भी आ रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज, तो हम इसे ब्लू रखते हैं सिंपल। तो ब्लू LED पूरी जल चुकी है, इस कैबिनेट में जितनी ब्लू LED है वो सब जल चुकी है, आप देख सकते हो पूरा कैबिनेट ब्लू हो गया है, और वाइट भी है यहाँ पर, ये वाइट बटन दबाया और ये वाइट लाइट, बट ब्लू की क्वांटिटी ज़्यादा है क्योंकि फ़ैन में ब्लू लाइट ज़्यादा लगे हुए हैं। और आप देख सकते हो मैं साइड से पूरा दिखा देता हूँ, तो LED स्ट्रिप यहाँ से जा करके ऊपर से गई है, और इस तरफ में फ्रंट पे भी आई हुई है, और यहाँ पे LED कंट्रोलर से लगा हुआ है, और IR जो है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पर, IR वो लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो वो काले कलर का यहाँ पर IR सेंसर लगा हुआ है जो कि रिमोट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और तो गाइस ये पूरा ओवरव्यू दिखा देता हूँ एक बार आपको, तो ये है टोटल ओवरव्यू पूरा, देख सकते हो कैबिनेट पूरा एक्रिलिक पैनल से दिख रहा है सब, अंदर के कंपोनेंट जितना दिख सकते हैं, और फ्रंट से भी एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, लिनोवो थिंक सेंटर है ये, और जो इसका जो बेसिक लुक होता है हैंडल वगैरह ये सब मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो थिंक सेंटर के साथ आता है फैक्ट्री मेड वही सब कुछ है, बस मैंने कलर कर दिया है। और ये यहाँ पर पावर और हार्ड डिस्क की LED है, पावर बटन है ये, और ये नॉर्मल जो उसके होते हैं IU, और ये मैंने खुद कस्टम मेड लगाया है, बाकी आप देख सकते हो ये देखो ग्रिल से भी लाइट आ रही है, और बैक का भी थोड़ा बहुत, बैक में तो ज़्यादा कुछ खास मैंने नहीं किया है, बस पूरा कैबिनेट मैंने वाइट कलर कर दिया है जिससे सभी कलर उभर के आ सके। और इधर भी एक बार फिर देख लो दोस्तों, इधर भी पूरा वाइट मैंने किया हुआ है, कैबिनेट पूरा वाइट है, और जो लोगो है मैंने उसे सिल्वर कलर कर दिया है, तो वो लोगो जो है वो उभर के दिख रहा है। तो और तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, मानता हूँ वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बहुत लो हो सकती है, शेकी वीडियो हो सकती है क्योंकि मैं हाथ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, बट जैसा है आप देख सकते हो, कमेंट में बताना। और अगर आपको कुछ जानना हो कि मैंने किस पार्ट में कैसे किस टाइप का इसमें काम किया है तो आप कमेंट में बताना, मैं उसे बता सकता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा बताने की। और आप देख सकते हो एक बार फिर जितनी भी मैंने स्टिकर वगैरह की कटिंग की है,
वो सब भी अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करना, सबको मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस चैनल में और भी मॉड आने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको केस मॉड अच्छा लगा हो। तो वीडियो पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग भी ये क्रिएटिव आइडिया ट्राई करना चाहते हैं अपने घर में खुद से, अगर आप पे बजट है तो आप तो खैर महंगा कैबिनेट ला सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो कि एक चीप कैबिनेट खरीद करके उस पर एक्सपेरिमेंट करना, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, मेरे वीडियो को रेफरेंस ले सकते हो। और अपने वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।